This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। नहीं थम रहा जंजहेली विवाद, बर्फबारी के बीच प्रदर्शन करते रहे लोग। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज के जंजहेली में मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि मंगलवार को यहां धारा 144 हटा दी गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को शांतिपूर्वक प्रदर्शन का भरोसा दिलाया था। हालांकि दिनभर ऐसी कोई अप्रिय घटना घटी भी नहीं। लोग अभी इस बात पर अड़े हुए हैं कि एसडीएम जंजहेली के कार्यालय को यहीं रखा जाए। स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप जंजहेली में रोष रैली निकाली और जहां एसडीएम बैठे हुए थे उस कार्यालय का घेराव भी किया। सीएम जयराम ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीएम मुर्दाबाद के नारों के साथ ही चोर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मंगलवार को जंजहेली में काफ़ी बर्फ गिरी हुई थी, लेकिन लोग इस कड़कड़ाती ठंड में भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से बाज नहीं आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने राजनीति करके एसडीएम कार्यालय को जंजहेली से थुनाक शिफ्ट किया है और इस बात का तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक कि सरकार इनकी मांग को मानते हुए एसडीएम जंजहेली के कार्यालय को यथावत नहीं रखेगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोगों को सड़कों पर उतरते ही सीएम जयराम ठाकुर का बुरा वक्त शुरू हो गया है और भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम भुगते होंगे। डीसी मंडी ऋग्देव ठाकुर ने बताया कि मंगलवार को जंजहेली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ। मंगलवार को धारा 144 भी हटा दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार की अधिसूचना के बाद एसडीएम थुनाक के कार्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि थुनाक स्थित तहसील कार्यालय से एसडीएम कार्यालय का संचालन हो रहा है, जबकि जंजहेली में चार दिनों के लिए एसडीएम बीडीओ कार्यालय के भवन पर बैठा करेंगे। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए मंगलवार को भी थुनाक के एसडीएम जंजहेली में ही मौजूद रहे। धन्यवाद।